हेलो स्कॉलर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कन्फ्लुएंस स्कॉलर्स दिस इज सीएल गौतम टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ लमेंगो दैट इज लास्ट लेसन बाय अल फों डाउटेड सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स सो बिना देर किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं सो so, स्कॉलर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है वट वॉज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे फ्रेंच को टेस्ट के लिए क्या दिया गया था याद करने के लिए उस दिन आंसर फ्रेंच वॉज गिवेन पार्टिसिपल टू लर्न फ्रेंच को पार्टिसिपल दिया गया था याद करने के लिए बट फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम लेकिन फ्रेंच को उसमें से एक भी वर्ड नहीं याद था सेकेंडली ही वॉज क्वाइट लेट फॉर द स्कूल स्कूल के लिए वह काफ़ी लेट था एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कॉलडेड और उसको इस चीज़ का डर था कि उसको स्कूल पहुँचने पर खटकार मिलेगी सेकेंड क्वेश्चन वॉट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था क्या रखा गया था आंसर इस पर एन ऑर्डर हैड कम फ्राम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरन नोटिस बोर्ड पर एक बर्लिन से आदेश आया हुआ था कि एलसेस और लॉर के स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस अंदर नोटिस बोर्ड जर्मन ने इस नोटिस को वहाँ लगाया हुआ था फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम देयर पिछले दो साल से सभी जितने भी बुरे समाचार होते थे उसी नोटिस बोर्ड से आते थे सच एज जिस जैसे कि द डिटेल्स ऑफ लॉस्ट बैटल्स युद्ध का खो जाने का द रिक्रूटमेंट किसी की भर्ती कमांडिंग ऑफिस कमांडिंग कमांडिंग ऑर्डर इस तरीके से जितने भी ऑर्डर होते थे सारे उसी न्यूज उसी नोटिस बोर्ड से आया करते थे थर्ड क्वेश्चन वट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजअल अबाउट द स्कूल दैट डे उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता था उसको क्या चीज़ असाधारण दिख रही थी या नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वर्ड चेंजेज डिड द नरेटर फाइंड इन द स्कूल वैन द ऑर्डर फ्राम बर्लिन केम बर्लिन से आदेश आने पर स्कूलों में क्या बदलाव आता है इसका आंसर इस तरीके से है वैन फ्रेंज रीच द स्कूल ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड एवरी थिंग स्टिल एज क्वाइट एज इफ इट वॉज़ सन्डे जब स्कूल पहुँचता है तो वह सब कुछ देख कर हैरान हो जाता है कि वहाँ पिन ड्रॉफ साइलेंस है जिस तरीके से संडे को होता है एम हेमल वॉज इन डिफरेंट लुक एम हेमल एक डिफरेंट लुक में था ही वॉज इन न्यू ड्रेस विच ही यूज्ड टू पुट ऑन एनी स्पेशल डे एज फंक्शन एज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वह एक नए ड्रेस में जिसको वह हमेशा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या किसी फंक्शन में पहना करते थे मोर ओवर इसके बावजूद विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज गाँव के जो सम्मानित व्यक्ति थे पिछली बेंच पर बैठे हुए थे दे लुक्ड सैड एंड डिसंटेड वो सभी जो है सैड दुखी और निराश दिख रहे थे ऑल विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स नर्वस वर नर्वस एंड पैनिकड टू लिसन ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरन गाँव के लोग बच्चे सभी नर्वस इस बात के लिए थे कि कल से जो है केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा उनको उनकी भाषा फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज फ्रेंड्स की फीलिंग अचानक अचानक उसके टीचर के लिए या स्कूल के लिए क्यों बदल जाती है आंसर एम हैमल वॉज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर ही वॉज ए मैन ऑफ डिसिप्लिन वह एक स्ट्रिक्ट और मैन ऑफ डिसिप्लिन के टीचर थे फ्रेंड डिड नॉट लाइक हिम एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू स्पेंड हिज टाइम आउट ऑफ द क्लास फ्रेंड्स अपने टीचर को पसंद नहीं करता था वह स्कूल से बाहर अपना समय निकालना चाहता था बट वैन ही केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ हिज टीचर जब उसको यह पता लगता है कि उसके टीचर का यह आखिरी लेसन है एंड फ्रेंच वुड नो मोर बी टॉट देम अब आज से उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा ही फेल्ट लव एंड सिंपैथी फॉर द टीचर एंड स्कूल अब उसको अचानक अपने टीचर के प्रति स्कूल के प्रति सिंपैथी आने लगती है ही फागॉट ऑल अबाउट ही रूलर एंड क्रैंकी नेचर अब वह जो है अपने टीचर के नेचर वह उसके रूलर को भूल जाता है फिफ्थ क्वेश्चन हु वॉज वाच्टर वाट डिड ही आस्क फ्रेंज एंड वाई हाउ डिड फ्रेंज रिएक्ट इसमें पूछा गया है वाचर कौन है वह फ्रेंज से क्या कहता है और फ्रेंच कैसा रिएक्ट करता है आंसर वास्टर वॉज ए ब्लैक स्मिथ वह एक ब्लैक स्मिथ है लोहार जिसको बोलते हैं ही वॉज़ रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन न्यूज़ वह जो है लेटेस्ट बुलेटिन का न्यूज़ पढ़ रहा है ही asked फ्रेंज not टू गो सो फास्ट टू his स्कूल वह फ्रेंच से कहता है कि फ्रेंच स्कूल इतना तेज मत दौड़ो इतना तुम्हारे पास ही सेड दैट French हैड plenty प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल वह आगे करता है फ्रेंच के पास बहुत फ्रेंच के पास अभी बहुत समय है स्कूल पहुंचने के लिए French थिंग्स दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि वाचटर उस पर मजाक कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स वॉट टेम्पटेड फ्रेंज टू स्टे अवे फ्राम स्कूल आंसर क्या चीज़ फ्रेंड्स को स्कूल से दूर रहने के लिए अट्रैक्ट करती थी तो आंसर आपका फ्रेंज वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन द पार्टिसिपल यू नो दैट फ्रेंच वॉज नॉट रेडी फॉर द पार्टिसिपल द प्रसियन सोल्जर्स वर ट्रेनिंग इन द ओपन फील्ड सेकेंड थिंग ही साट प्रेसियन सोल्जर्स देर आल्सो जस्ट ट्रेनिंग एंड द डे वॉज वॉर्म एंड सनी दिन काफ़ी वार्म था सनी था बर्ड्स वर जर्पिंग इन द गार्डन एंड दिस साइट एंड सीनरी टेम्पटेड हिम टू स्टे अवे फ्राम द स्कूल यह दृश्य जो है उसको स्कूल से दूर रखने के लिए अट्रैक्ट कर रहा था सेवंथ वाई हैड द विजर्स कम टू स्कूल दैट डे हाउ डिड द लुक विलेजर्स स्कूल क्यों आए और कैसा दिख रहे थे आंसर द विलेजर्स हैड कम टू थैंक एंड शो रिस्पेक्ट टू एम हैमल हैड टॉट फॉर फोर्टी ईयर्स इन द सेम स्कूल इट वॉज हिज ए लास्ट फ्रेंच लेसन ऑल दे लुक्ड एंड डिसअपॉइंटेड विलेजर्स एम हेमल को धन्यवाद करने के लिए उनको रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे जो कि ये कई स्कूलों में फोर्टी ईयर्स तक सर्विस किया था और गांव वालों का यही तरीका था उनको धन्यवाद देने का या उनके प्रति लैंग्वेज के प्रति रिस्पेक्ट शो करने का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट हाउ डिड एम हेमल पे ट्रिब्यूट टू लास्ट लेसन या फिर क्वेश्चन बन सकता है वट वॉज एम हेमल्स रिग्रेट ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन एम हेमल अपने लैंग्वेज के प्रति कैसे ट्रिब्यूट कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या फिर उनका रिग्रेट क्या होता है भाषा के प्रति रिगेड पश्चताप अफसोर्स आंसर एम हेमल एडमायर्ड फ्रेंच लैंग्वेज फर्स्ट वह उसकी तारीफ करते हैं एडमायर करते हैं अप्रिसट करते हैं ही टोल्ड इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक भाषा है इट वॉज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज और जो फ्रेंच है सभी लैंग्वेज में से ज़्यादा क्लियर है और लॉजिकल है ही अपील द पीपल टू गार्ड इट एंड नेवर फॉगेट इट और लोगों से अपील करते हैं कि इसकी रक्षा करें और इसको न भूलें इफ़ दे forget देयर लैंग्वेज मीन्स टू forget देयर आइडेंटिटी आगे बताते हैं कि अगर लोग अपनी भाषा भूल जाएंगे तो अपनी पहचान खो जाएंगे दस ही पेड ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज इस तरीके से वह फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति ट्रिब्यूट देते हैं ही हिमसेल्फ फेल्ड रिमर्स फॉर दिस वह खुद ही इसके लिए अपसोर्स फील करते हैं कि आगे से उनको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोलने को मिलेगा नहीं पढ़ाने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एम हेमल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी द लास्ट लेसन एम हैमल के बारे में आप क्या जानते हैं इस लेसन को पढ़ करके आंसर एम हेमल वॉज ए स्कूल टीचर ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड मैन ऑफ डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट हैं और डिसिप्लिन हैं फ्रेंच ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज क्रैंकी नेचर फ्रेंच हमेशा एम हेमल से डरता है उनके नेचर की वजह से र्यूड नेचर की वजह से लेकिन ऑन द अदर हैंड एम हेमल इज़ वेरी काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड टीचर वह काफ़ी दयालु दिल के हैं ही डजेंट इज़ कॉल्ड for फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल वह फ्रेंच को नहीं डांटते हैं कि वह पार्टिसिपल नहीं लर्न किया था ही स्ट्रीव पैट्रियाट एक सच्चे देशभक्त हैं ही has ग्रेट लव फॉर हिच कंट्री एंड people उनके पास उनके देश के लिए उनके लोगों के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है प्यार है ही अपील्स पीपल टू गार्ड देयर लैंग्वेज एम हेमल लोगों से अपील करते हैं कि अपनी लैंग्वेज की जो है डिफेंस करें प्रोटेक्ट करें एट लास्ट ही बिकम्स सो सेंटिमेंटल डैट ही कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड अंत में इतना सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि एक भी शब्द उनके मुँह से नहीं निकलता ओनली ही रोट वाई ला फ्रांस केवल एक शब्द लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर एक फ्रेज लिखते हैं फ्रांस में लिव लॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ वॉट वर्ड्स डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास वॉट डिड दे मीन क्लास छोड़ने के पहले एम हैमल क्या लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर आंसर ऐट लास्ट मोमेंट ही रोट वाइव ला फ्रांस वह ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड विच मीन्स फ्रांस में लिव लॉन्ग येस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अलेवेंथ बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वॉच टू सी वट वॉज सरप्राइज्ड फ्रेंच मोस्ट इन द क्लास फ्रेंच को क्या चीज़ क्लास में सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी किस चीज़ को देख करके फ्रेंच ज़्यादा हैरान था आंसर वैन फ्रेंज एंटरड द क्लास रूम ही सा दिलेज पीपल वर सिटिंग देयर एज क्वाइटली एज ए स्टूडेंट ऑन द बैग बेंचेज ऑफ द क्लास जब फ्रेंज स्कूल में क्लास में पहुँचता है उसने देखा जो बैग बेंचेज पहले खाली पड़ी होती थी उस पर गाँव के सम्मानित लोग बैठे हुए थे यह देख कर उसको काफ़ी हैरानी होती है सरप्राइज हो जाता है दिस इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन से लोग थे ओल्ड हाउसर फॉर्मर मेयर फॉर्मर पोस्ट मास्टर ऑल दिस सरप्राइज्ड हिम ये सारी चीज़ें देखकर उस हैरान होता है कि आज गाँव वाले क्यों आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्वेल्थ फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स वाट कुड दिस मीन फ्रेंच सोचता है क्या वो लोग जो है कबूतर को भी अपनी भाषा सिखा देंगे इसका क्या मतलब है आंसर फ्रेंच थिंग्स दैट्स द पिजन्स नेटिव लैंग्वेज सॉरी फ्रेंच थिंग्स दैट अ परसनस नेटिव लैंग्वेज कम्स टू हिम नेचुरली फ्रेंच को लगता है कि आदमी की जो मातृभाषा है वो आटोमेटिक उसके अंदर नेचुरली आ जाती है एनी अदर लैंग्वेज इम्पोज अपान समोन कैन नाट बी इफेक्टिव किसी व्यक्ति पर हम कोई भाषा जब हम थोप देते हैं इम्पोज करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होती जितना कि नेचुरल एलिमेंट्स वाली होती है ऑल नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग बर्ड्स लाइक पिजन्स ऑलवेज प्रेफर टू बिहेव इन देयर ओन देयर नेचुरल मैनर जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे बर्ड्स हो गए उनको अपनी नेचुरल जो एक्टिविटी होती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं दे कैन नाट बी फोर्सफुली मेड टू एक्ट अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ को किसी चीज़ पर इम्पोज इंप, करना वह उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट थर क्लाइब डीज वर्ड्स वर्ड टू मी वॉट वर द वर्ड्स दैट एंड सरप्राइज द नरेटर उसको बिजली की कड़क थंडर क्लैक कितना लगते हैं थंडर क्लैप कितना लगता है वह कौन सा शब्द था जिसको सुन करके फ्रेंच को उसके जो है दिमाग में बिजली सी कड़क चमक जाती है आंसर वैन फ्रेंज रीच द स्कूल ही सॉ स्ट्रेंज स्टिलनेस इन द क्लास जब क्लास में पहुँचता है बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था देन द टीचर एम हेमल अनाउंस्ड फिर अचानक एम हेमल खड़े होते हैं वह अनाउंस करते हैं दैट इट वाज देअर लास्ट लेसन इन फ्रेंच और अनाउंस करते हैं कि आज उन सभी का लास्ट लेसन है अंतिम चैप्टर है फ्रेंच का एंड नाउ न्यू टीचर विल टेक द चार्ज ऑन द फॉलोइंग डे नया टीचर कल से उस क्लास में आएगा टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज दीज वर्ड्स ऑफ एम हेमल केम एज ए थेंडर क्लैड टू फ्रेंज यह शब्द जो है एम हेमल का उसको थेंडर क्लैब की तरह कर देता है डिस्टर्ब कर देता है ओके दैट इज द एंड ऑफ सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसको ट्वाइस थ्राइस सुनिए याद कर लीजिए थैंक यू